Hello students, today we are going to start a new chapter which is from civics, that is Indian Constitution and the need for laws. भारतीय संविधान क्या है और कानून की जरूरत हमें क्यों है या किस तरीके से है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड वी विल लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज, रूल ऑफ लॉ टू कर्ब प्रैक्टिस ऑफ डॉरी एंड फीमेल फेटिसाइड, लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, लॉज एंड डिसेंट, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे. अ रूल इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, अ स्टैंडर्ड और अ गाइड फॉर एक्शन. रूल्स आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एक जो रूल है वही प्रिंसिपल बनाता है, एक स्टैंडर्ड या एक सही गाइड होता है आपके किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. जो रूल्स होते हैं वो एसेंशियल, वो बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे कि आप एक कंट्री में एफिशिएंट वे में और सही तरीके से गवर्नेंस कर सको. ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल है, यही आपके क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. नीड फॉर लॉज, लॉज की ज़रूरत क्या है. सम रूल्स हैव टू बी फिक्स्ड फॉर ईच सिचुएशन सो दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी बिहेव्स इन अ मैनर दैट इज नॉट ऑफेंसिव टू अदर्स. दस अ रूल इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और अ गाइड फॉर एक्शन. कुछ रूल्स होते हैं जो कि फिक्स कर दिए गए हैं हर एक सिचुएशन में, जिससे कि सोसाइटी का हर एक मेंबर एक सही तरीके से बिहेव करता है. दैट इज़ नॉट ऑफेंसिव टू अदर्स, ऐसा नहीं हो बाकी औरों के लिए ऑफेंसिव, बचाव करने के लिए है. दैट अ रूल इज़ एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और गाइड फॉर एक्शन. जो रूल है ये एक सही प्रिंसिपल है और आपके किसी भी एक्शन के लिए गाइड करने के लिए है. फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक लाइफ ईजी. नीचे दिए हुए रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लाइफ को ईजी बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन अ रोड वी शुड फॉलो सर्टेन ट्रैफिक रूल्स. जब भी हम रोड पे या तो चलेंगे या गाड़ी चलाएंगे तब हमको कुछ ना कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होंगे, जिससे कि अगर हमने ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर किया तो वो हमारा एक्सीडेंट तक भी करवा सकता है. सिमिलरली, नेशंस आर ऑल्सो गवर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स नोन एज लॉज ऑफ द कंट्री. इसी तरीके से हर एक कंट्री में भी कुछ रूल्स होते हैं या कुछ रूल्स के थ्रू वो कंट्री चलती है, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ दी कंट्रीज. ब्रेकिंग लॉज कैन प्रूव हार्मफुल फॉर द सिटीजन्स ऑफ द नेशन. कानून को तोड़ना आपकी कंट्री के सिटीजन मतलब जो आपकी कंट्री में रहते हैं वो लोग, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है. एक एग्जाम्पल दिया है एक लॉ के थ्रू, दैट इज डोरी. डोरी मतलब होता है दहेज. Let us take an example of Dowry Prohibition Act to understand how laws help to correct injustice in our society. हम example लेते हैं डोरी का, किस तरीके से ये law हमको help करता है injustice से हमारी society में. Dowry Prohibition Act 1961. Dowry Prohibition Act है 1961 में. The practice of payment and acceptance of dowry has existed in our country for a long time. जो practice है payment का और जो dowry का acceptance है वो हमारी country में exist कर रहा है एक लंबे समय के लिए. Earlier, at the time of marriage के time पे एक लड़की को दहेज दिया जाता है gifts के form में उसके parents के through. It was a voluntary act. Voluntary मतलब होता है free will, ये आपकी इच्छा के ऊपर depend करता है. This dowry was seen as the bridges on property. जो डॉरी है एक तरीके का प्रॉपर्टी के ऊपर हक होता है. और द सेंचुरीज डॉरी बिकम एन ऑब्लिगेशन. कुछ सेंचुरीज के बाद में डॉरी जो है वो ज़रूरी चीज़ बन गई, ऑब्लिगेशन हो गया है लोगों के लिए. इफ़ अ गर्ल फेल टू ब्रिंग डॉरी शी वॉज ह्यूमिलिएटेड एंड इवन टॉर्चर्ड इन सर्टेन केसेस बाय हर इन लॉज. अगर गर्ल्स फेल हो जाती है दहेज लाने में तो उनको उसके ससुराल वालों के थ्रू टॉर्चर किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है. मैनी Brides were burnt alive by their in-laws as punishment for not bringing in the desired dowry. और बहुत सारी बहुओं को तो दहेज ना लाने के लिए भी उनके ससुराल वालों के थ्रू जला दिया जाता है पनिशमेंट के फॉर्म में.
क्योंकि उनको इच्छा के अकॉर्डिंग दहेज नहीं मिलता है. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस डाउरी डेट्स कंटिन्यू टू अकर इन आवर सोसाइटी. स्वतंत्रता के बाद भी हमारी कंट्री में या हमारी सोसाइटी में ये जो दहेज के थ्रू मृत्यु होती है ये फिर भी कंटिन्यू ही थी, ये रोकी नहीं गई थी. द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास इन 1961 AD टू प्रोहिबिट द डिमांडिंग गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी. तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो पास किया गया 1961 AD में, जिसमें कि आप ना तो दहेज के लिए डिमांड कर सकते हो, ना दहेज दे सकते हो, ना ले सकते हो. डाउरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज द डिमांड फॉर प्रॉपर्टी बाय द ग्रूम्स रिलेटिव फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो भी लोग ग्रूम्स की, ग्रूम मतलब दूल्हे की फैमिली से प्रॉपर्टी के लिए डिमांड करते हैं, या दूल्हे के रिलेटिव जो प्रॉपर्टी के लिए डिमांड करते हैं दुल्हन की पेरेंट्स से, उनके लिए एक्ट बनाया हुआ है. एन अमेंडमेंट वॉज मेड टू द एक्ट ऑफ 1961 AD इन 1981 AD विच मेड पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ डोरी अ पनिशेबल ऑफेंस. अगर